जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। देखिए आज शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो आज के दिन आपको अचूक उपाय करना है। यहाँ पर मैं आपको 5-6 उपाय बताऊंगा। अगर 5-6 उपाय में से आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। जो लोग हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यह उपाय लौंग का होने वाला है। लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ज्योतिष शास्त्र की माने तो लौंग का काफ़ी महत्व हो। अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे घर में जब पूजा पाठ किया जाता है देवी देवताओं को, हम लोग लौंग का भोग लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग लौंग को भोजन में डाल देते हैं तो भोजन का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि लौंग से दवाइयों भी बनाया जाता है, दवा जो बनाया जाता है वो लौंग से बनाया जाता है। और लौंग जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नवरात्रि में। अब इसका इस्तेमाल अगर हम लोग नवरात्रि में करते हैं, अर्पित करते हैं माता रानी को, तो उससे हम लोग जो हम लोगों की मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और लौंग अगर हम लोग अपने घर में रखते हैं तो क्या होता है, जो घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह सब समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आज जो आपको मैं उपाय बताऊँगा, चलिए आपको एकदम ध्यान से समझना है और उसके बाद आप उपाय करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यह उपाय हम लोग क्यों करने वाले हैं। देखिए अगर आपको धन का लाभ चाहिए, संकटों से छुटकारा पाना है, अपने भाग्य को मजबूत करना है, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय नंबर 1, राहु केतु के दोस्त। देखिए अगर आपके ऊपर राहु और केतु के दोस्त हैं तो आप कैसे इससे छुटकारा पाएंगे। देखिए मान्यता है कि लौंग के राहु केतु का बुरा असर जो प्रभाव पड़ता है, अगर आप लौंग से टोटका करते हैं शनिवार के दिन, ठीक है, तो प्रभाव कम होता है। कैसे करना है, देखिए शनिवार के दिन आपको लौंग लेना है और लौंग लेने के बाद आप किसी भी गरीब आदमी को लौंग का दान करेंगे। कहाँ पर करेंगे, आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, मंदिर के बगल में जाइए, वहीं पर आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप यह दान करते हैं तो क्या होता है, राहू का जो दोष होता है वह खत्म हो जाता है और साथ ही साथ आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है। अब चलिए आपको उपाय नंबर 2 बताते हैं। देखिए यह उपाय आप शिवलिंग पर करेंगे, भगवान शंकर जी के मंदिर में जाना है और वहीं पर आपको ये उपाय करना है। देखिए आप क्या करेंगे, आपको लौंग लेना है। कितना लौंग लेना है, 1 लौंग ले लीजिए, ठीक है। 1 लौंग लेने के बाद आपको शिवलिंग पर लौंग को समर्पित करना है, यानी कि अर्पित कर देना है। कैसे अर्पित करना है, आपको दाहिने हाथ में लौंग लेना है और उसके बाद समर्पित करेंगे। देखिए मान्यता है कि अगर आप 40 दिन तक लगातार यहाँ पर लौंग जो होता है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो जो भी आपके घर पर बुरे प्रभाव होते हैं सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यह भी उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आपको उपाय हम दूसरा बता देते हैं, तीसरा उपाय। अब देखिए बहुत से लोग को आप देखे होंगे कि कहीं पर जाते हैं तो वो लोग लौंग खाते रहते हैं, तब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि यार ये तो कहीं जा रहा है तो ये लौंग क्यों खा रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई व्यापार के लिए आप जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जाते समय आपको लौंग लेना है, ठीक है। क्या लेना है, लौंग लेना है, उससे आप अपने मुख में लेंगे। कहाँ पर मुख में लेंगे, 2 लौंग, ठीक है। आप अपने मुख में लेकर के अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य को करना है। मान लीजिए आप किसी जॉब पर जा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, मुंह में 2 लौंग लेकर के उस कार्य को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अब चलिए हम आपको एक और उपाय बताते हैं। यह उपाय आप कब करेंगे, देखिए यह उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय जो है हनुमान जी का उपाय है। बहुत सी बार हमने आपको ये उपाय बताया है, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपका काम कोई पूरा नहीं होता है और आपको सफलता नहीं मिल रही है, मतलब एकदम आप तंग हो चुके हैं काम करते वक्त और आपको सफलता नहीं मिल रही और सफलता की सीढ़ी भी आपको नहीं दिख रही, तब आप क्या करेंगे, तो यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको करना है। कैसे करना है, देखिए हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है, चमेली का एक दीपक लेना है, दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब प्रज्वलित जब आप करते हैं दीपक, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आपको 2 लौंग दीपक के अंदर डाल देना है, यानी कि दीपक जल रहा है
उसके अंदर आपको दो लौंग डाल देना है, ठीक है। अब दो लौंग जब आप दीपक के अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, ठीक है। और पाठ करने के बाद आप हनुमान चालीसा का आरती भी कर सकते हैं हनुमान जी का। अब ऐसा आपको कितनी बार करना है, ऐसा आप 21 मंगलवार या फिर 21 शनिवार तक करेंगे। जहां पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है आपके कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यह उपाय अवश्य करिए। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, देखिए अगर आपके यहाँ आर्थिक तंगी है यानी कि पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है, घर में पैसा तो आता नहीं लेकिन पैसा कैसे न कैसे करके खर्च हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है पैसों से लेकर, तब आप यह उपाय करेंगे। देखिए यह उपाय आप माँ लक्ष्मी के लिए करेंगे। देखिए कहा जाता है अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी को मिल जाता है तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तब आप यह उपाय कब करेंगे, यह उपाय आपको करना है जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है तब क्या करेंगे। देखिए घर में आर्थिक तंगी जब रहती है तो माता लक्ष्मी के आपको मूर्ति के पास जाना या फिर घर में ही आपको उनका फोटो रखना है। आपको गुलाब के फूल क्या रखना है, आपको दो गुलाब के फूल लेना है और दो लौंग लेना है, ध्यान रखना दो गुलाब के फूल दो लौंग लेकर के आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। यानी कि आपको वहीं उनके फोटो के सामने दो गुलाब के फूल दो लौंग आपको अर्पित करना है, ठीक है। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं, एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद पांच लौंग ले लीजिए, पांच लौंग ध्यान रखना पांच लौंग खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पांच कौड़िया ले लीजिए, कौड़िया आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कौड़िया क्या होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस लाल वाले कपड़े में पाँच लौंग पाँच कौड़िया बांध देंगे, ठीक है। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, उसे आप तिजोरी में यानी कि जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, चाहे घर में हो चाहे दुकान में हो, तो आपको वहाँ पर रख देना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी और धन का आगमन होगा, ठीक है। तो आप यह उपाय कर सकते हैं अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तंगी है तो। अब देखिए बहुत से बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी को पैसा दे देते हैं, ध्यान रखना हम लोग किसी को पैसा देते हैं, अब उनसे ही पैसा लेने के लिए हम लोग बार बार उन्हें फ़ोन लगाते हैं और वो तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों को कौन सा उपाय करना है। तो ये उपाय आप तब करेंगे जब आप किसी को पैसा दे देते हैं और आपका पैसा आपको मिल नहीं रहा है, तब आपको क्या करना है, ध्यान रखना। देखिए अब पैसे वापस लेने के लिए आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन, ध्यान रखना अमावस्या यानी कि पूर्णिमा की रात, ठीक है, पूर्णिमा की रात अमावस्या के दिन आपको 21 लौंग, ध्यान रखना 21 लौंग और कपूर में रख करके जला देना है। अमावस्या के रात पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना रात में आपको 21 लौंग कपूर में रख करके जला देना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर ले, ध्यान रखना हवन करना है उनका ध्यान रखते हुए। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव जो होता है आपके ऊपर वह कम हो जाएगा, ध्यान रखना। जब कोई भी आपका पैसा लेता है आपका पैसा वापस नहीं करता है तब आप यह उपाय करेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए लौंग भी बीमारियों का भी इलाज करता है, तो मैं आपको एक बीमारी का इलाज बता देता हूँ, अगर आपको ये बीमारी है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना। देखिए अगर डायबिटीज आपके पास, आपको डायबिटीज है या फिर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करना है तो आपको लौंग का इस्तेमाल करना होगा। लौंग आप उसे दीजिए, वह लौंग खाएगा, उसे आपको मुँह में लौंग लेना है, इससे क्या होगा आपका जो डायबिटीज है वह कंट्रोल में होगा, ध्यान रखना। और कहा जाता है अगर लौंग ज़्यादा आप खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर जो होता है लेवल उसे कंट्रोल किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि जिसको ब्लड शुगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति कोई भी महिला है जिसको ब्लड शुगर है तो वह लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको लगभग 5-6 उपाय बताए हैं, जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप उपाय को करिए, उपाय करिए और उसके बाद हमें कमेंट में बताइए उपाय आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर हमारे द्वारा बताई गई आपको उपाय पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।